गुड मॉर्निंग एंड व्हाट्सअप गाइज, वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का फ्री फायर की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। तो भाई लोग, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हेलोवीन के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं यहाँ पर हम लोग OB18 का अपडेट के डिटेल्स। हालांकि हेलोवीन का जो अपडेट्स का जो इवेंट का जो मतलब सब कुछ है वो आपको OB18 का अपडेट में देखने के लिए मिल जाएगी। तो हम लोग आज आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं लाइव, और साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। तो ज़्यादा बात कलम मारे करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करने लग ले तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री फायर गेम से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स टिप्स एंड ट्रिक्स होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। कल से पहले बता दें कि हम लोग का लक रॉयल में 50% का डिस्काउंट चल रहा है, जो एक दिन के लिए सिर्फ आज भर के लिए। तो आप जाके फटाक से जगह को वहाँ से स्पिन कर सकते, क्योंकि वहाँ पर से आपको जितना डायमंड लगता है उसका आधा डायमंड यहाँ से आपको स्पिन करने के लिए मौका मिलता है। तो यहाँ से आपको जहाँ पर एक स्पिन मिलता था वहाँ पर आपको दो स्पिन मिल रहा है। तो इसको जिसको अपना लक ट्राई करना है वैम्पायर बंडल निकालने के लिए, वो जाके अपना जो है लक ट्राई कर सकते हैं, वहाँ से निकालने के चांसेस उसका बन सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लें यहाँ से अपडेट्स की, तो गाइस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यहाँ से हम लोग देखने के लिए मिल रही है एक न्यू बाइक की स्क्रीन, बाइक नहीं मतलब एक न्यू गाड़ी का मतलब न्यू व्हीकल्स। तो यहाँ सब स्क्रीन में देखो थोड़ा सा धुंधला टाइप से यहाँ से दिया गया है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर से आपको OB18 के अपडेट के साथ साथ आपको जो है ये वाला जो व्हीकल्स है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसका नाम क्या है ये तो कन्फर्म दिया नहीं है। तो यहाँ से आपको देख पा रहे हैं कुछ आपको इस टाइप के नहीं, ये वाली गाड़ी आपको यहाँ पर से गेम के अंदर देखने के लिए मिलेगी। हालांकि पिछली बार बताया गया था यहाँ पर से हम लोगों को जो बग्गी होता है वो देखने के लिए मिलेगा, बट वहाँ पर से बग्गी उन लोगों ने दिया नहीं था। बट इस बार मेरे को लगता है कि ये वाला गाड़ी दे सकती है, क्योंकि बग्गी का जो पिछले बार जो फोटो जो है वो लीक नहीं हुआ था, बट इस बार आप देख पाने कि आप इसका जो फोटो यहाँ से फाइनली इसका लीक हो चुका है और यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जा रही है। बात करने से नेक्स्ट अपडेट की क्रॉसबो को लेके, वो क्रॉसबो जिसे हमने बताया था क्रॉसबो को हम लोग यहाँ से ऑप्टिमाइज किया जाएगा। तो सिंपली क्रॉसबो के यूज जो गेम के अंदर कोई नहीं करता, सभी को पता है क्रॉसबो के यूज बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो क्रॉसबो के यूज करते हैं और यहाँ से उसका यूज प्रॉपर तरीके से कोई नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे एक वीडियो टीज़र जारी हुआ है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ से आपको क्रॉसबो सिंपली निकालना है, उसको जिस बंदे के ऊपर शूट करना है उसको आपको एम मिलाना है। एम मिलाने के साथ साथ जिस तरीके से हम लोग लॉन्चर के यूज़ करते हैं, लॉन्चर का सेम टू सेम आपको जो काम होगा कुछ इस टाइप से होगा कि यहाँ पर आप देख पा रहे स्क्रीन पर किसी बंदे को मतलब शूट करते तो वहाँ से उसका जब पास आग का गोला गिरता है, लेकिन यहाँ पर लॉन्चर से एक ही बार में बंदा खत्म हो जाता है। बट यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर से बंदा एक बार में ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसका डैमेज थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा सा कम दिया गया। बट यहाँ से आपको जो है ये चीज़ बहुत ही जल्दी आपको मतलब अपडेट के साथ साथ आपको गेम के अंदर देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ एक बार और दूसरी बात बता दें कि इसका जो जगह होगा ना, हम लोग यहाँ पर पिस्तौल रखते हैं ना, पिस्तौल सेम टू सेम आपको आप जो है क्रॉसबो को यहाँ पर पिस्तौल के जगह पर रख सकते हैं। वरना आपको आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिखता होगा, पिक्चर दिखता होगा जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर साइड में दिया गया है कि यहाँ पर आपको जहाँ पर आप पिस्तौल रखते हैं पिस्तौल के जगह पर आप क्रॉसबो को रख सकते हैं। अब ये बात किस हद तक सच है, कहाँ तक रियल है, ये समझ में नहीं आ रहा, बट अपडेट के आने के साथ आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में भी गन है, बीच में भी गन है, और नीचे में जहाँ पर हम लोग पिस्तौल रखते हैं वहाँ पर आपको क्रॉसबो का एक सिम्बॉल दिखता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी भाई, मतलब गन भी रख सकते हैं उसको, एक शॉर्ट गन, एक लॉन्ग रेंज गन, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग क्रॉसबो भी रख सकते हैं। उसमें पिची गन हम लोग यूज़ करते हैं, एक शॉर्ट छोटा वाला जो गन होता है पिची से गन जो होता है हम लोग वो वाला गन यूज़ नहीं करते हैं। तो उसके यहाँ पर अगर हम लोग क्रॉसबो रखने के लिए जगह मिल जाए तो वो जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा और मतलब मज़ा ही आ जाएगा। आप मेरे कमेंट बताइए कितने से लोग हैं जो चाहते हैं कि मतलब वो पिची गन की जगह पर यहाँ पर से क्रॉसबो रखने का सिस्टम दे दें। तो फाइनली यहाँ से आप देख चुके इतना सारा अपडेट, अब बात करें हम लोग नेक्स्ट अपडेट की। तो ऐसे OB18 का अपडेट के साथ साथ आपको जो लोडिंग स्क्रीन का जो बैनर देखने के लिए कुछ आपको इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा। तो ये लोडिंग स्क्रीन का बैनर, उसके बाद आपको एक लॉगिन स्क्रीन का बैनर होता है। लोडिंग स्क्रीन का बैनर और लॉगिन स्क्रीन का बैनर दोनों अलग होता है। लोडिंग जब हम लोग दिखाता है तो वो होता है, लॉगिन हम लोग अभी जब हम लोग यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है तो लॉगिन का बैनर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर से हेलोवीन का अपडेट जैसा होता है ना उस टाइप से। तो हेलोवीन का ये जो बंटल है ये आपको कहीं देखने मिलेगा, ये हेलोवीन का अपडेट आपको हो सकता है देखने मिलेगा। साथ ही कुछ और जो गोल्ड रॉयल में दे दे या फिर डायमंड रॉयल में दे दे, इन सब चीज़ आपको देखने लिए मिलेगा। बट ये बंडल जो है जितना भी आपको लुक जो दिख रहा है ये टोटल हेलोवीन अपडेट के साथ साथ आपको देखने मिलता है। तो हेलोवीन का इवेंट जो है पिछले साल कितने तारीख को आया था कमेंट मेरे को श्योरली बताना, बट मेरे को लगता है कि वो 26-27 तारीख को अक्टूबर को आया था, बट इस साल मेरे को लगता है उससे पहले ही आ जाए, क्योंकि यहाँ पर से 18 तारीख को यहाँ पर से हम लोग का अपडेट होने वाले 16 तारीख को। तो 16 तारीख को ये चीज़ बैनर चेंज कर दिया जाएगा, तो हो सकता है कि हम लोग का अपडेट जो इवेंट है वो बाद में ही आए बट आपको देखने लिए मिलेगा। उससे बात करें यहाँ से लॉबी की, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग लॉबी जो कुछ इस तरीके से दिखता है तो कुछ खास नहीं लगता है देखने में, उतना अच्छा नहीं लग रहा है। बट इससे पहले एक टीज़र जारी हुआ था, इससे पहले एक लीक्स आई थी लॉबी को लेकर, तो वो वाला लॉबी देखने में अच्छा लगा था। उसको तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग नेक्स्ट जो ये चीज़ है
जो न्यू करेक्टर आने वाला है, तो न्यू करेक्टर जो कुछ लोग इस टाइप सबको देखने के लिए मिलता है। तो बट बताया जा रहा था यहाँ से हम लोग फोर स्लॉट मिलेगा, बट यहाँ पर हम लोग थ्री स्लॉट ही देखने के लिए मिलता है। उसके बाद कर लें यहाँ से नेक्स्ट इमोट्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इमोट मतलब कितना सारा देखने के लिए मिलता है यहाँ पर आपको। तो इमोट के यहाँ पर सेक्शन दे दिया गया, तो हम आपको जो आगे दिखा देते हैं आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से आपको कितना सारा इमोट जो देखने के लिए, न्यू न्यू इमोट और बिल्कुल ही डिफरेंट सा। तो यहाँ से होता है किधर से भाई, स्टार्ट में आपको दिखा देता है। हाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ से जो न्यू दिखता है पिंक टाइप का, यहाँ से ये स्टार्ट हो चुका है। तो थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं यहाँ पर क्लिक करके कि जो ये इमोट है किस तरीके से दिखता है, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से इमोट जो है मतलब कितना अट्रैक्टिव और कितना, और हालांकि मैंने बता चुका था पहले आप लोगों को कि यहाँ से हम लोग न्यू इमोट देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ से देख सकते कुछ इस टाइप का आपको यहाँ से इमोट देखने में मिलता है। तो ये फर्स्ट इमोट हो गया, यहाँ से हो गया मतलब बिल्कुल ही अजीब टाइप से लग रहा है देखने में, बिल्कुल ही यूनिक सा लग रहा है और लग रहा है कि हाँ इस बार इमोट में कुछ दम है। देख पा रहे हैं कि मतलब किस तरीके का हरकत करता है यहाँ पर ये वाला इमोट, तो आप देख पा रहे हैं किस टाइप का यहाँ पर इमोट है, बिल्कुल ही फनी टाइप का है। साथ ही साथ यहाँ पर सब कुछ इसका जो कराटे बाज का टाइप का यहाँ से इमोट का से ये चीज़ है दिया है। तो आप मेरे कमेंट बताने में जितना भी इमोट दिखाऊंगा टोटल में से आपको कौन सा इमोट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा सियोरली कमेंट बताएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट इमोट की बात करते हैं, यहाँ सब देख सकते हैं नेक्स्ट इमोट आपको कुछ इस तरह की सेल्फी लेने वाला लग रहा है, बिल्कुल ही सेल्फी वाला इमोट। हाँ फ़ोन निकालने को दो उंगली अपना दो फिंगर दिखाया, फिंगर दिखाने के बाद यहाँ से सेल्फी आप देख पा रहे हैं, फ़ोन निकाला सेल्फी, वाह भाई गजब। तो मतलब कतई जोर वाले यहाँ से इमोट आने वाला आपको देखने के लिए मिल जाएगी, तो बहुत ही मज़ा आने वाला। उसको दूसरा वाला डांस वाला आप देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप से आपको, मतलब बिल्कुल ही स्टाइलिश डांस किसका भाई, वो टाइगर श्रॉफ वाला, हाँ टाइगर श्रॉफ वाला डांस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो इमोट जिस बार होने वाला है बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला, बिल्कुल ही अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर से मैंने 2 दिन पहले बता दिया था हम लोग को न्यू इमोट देखने के लिए मिला होता है। यहाँ से फिर आप देख पा रहे हैं एक दूसरा इमोट का जो स्टाइल है कुछ स्टेप्स देखने को मिलता है। तो ये ऐसा नहीं कि आपको अलग से लेना पड़ेगा, ये इमोट के साथ ही आपको जो झंडा टाइप का आता है ना, ये आपको इमोट के साथ ही देखने के लिए मिलता है। तो आप देख सकते हैं कुछ स्टेप से यहाँ पर आपको इमोट देखने मिलता है और साथ ही उसका जो झंडा वो कुछ स्टेप से देखने मिलता है। उससे दूसरा इमोट यहाँ से आप देख सकते हैं, दूसरा इमोट जो है मतलब कुछ पता नहीं समझ में इसका जो मीनिंग है कुछ मेरे को समझ में नहीं आया, बट सिंपल सा यहाँ पर से लॉल टाइप का दिया गया, मतलब हैंड जिसका लॉल टाइप से दिया गया, बट यहाँ पर से ये वर्क नहीं कर रहा। उसके बाद के लिए हम लोग एस्पो आइलैंड की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एस्पो आइलैंड जो है कुछ स्टेप से सेम टू सेम है, बट वहाँ से जो सेकंड एनिवर्सरी का जो बैनर है उन सबको हटा दिया गया। उसको यहाँ पर आप देख पा रहे कुछ स्टेप से ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। तो चारों तरफ लगभग सेकंड एनिवर्सरी के जैसा ही लगता है, बट उसका सिर्फ बैनर जो है जहाँ पर जितना बैनर था बैनर को यहाँ से हटा दिया गया, उसको यहाँ से इस चीज़ को यहाँ से फिक्स कर दिया गया। थोड़ा बहुत न्यू अपडेट चेंजेस तो कुछ भी नहीं किया गया, सिंपली उसका जो बैनर है उनको हटा दिया गया, उसको इस चीज़ को ये डंबल सा मतलब क्या बोलता है इसको इसको यहाँ पर से ला के बीच में गिरा दो। उसके बाद बात करें यहाँ से फ्लाइट की, तो आप देख सकते हैं इसका जो लोगो है कुछ स्टेप से यहाँ से चेंज कर दिया गया और यहाँ से आपको देखने में बिल्कुल ही अलग लग रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ कलर जो है किस तरीके से कस्टमाइज किया गया और यहाँ से देखने में किस टाइप का लगता है। तो कुछ खास कलर नहीं है देखने में, उतना मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लगता, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी जो हम लोग को मिलता है ब्लैक वाली फ्लैट जो सिंपल सा कलर है, इसमें कोई भी कलर दिया गया नहीं है, तो उससे तो ये वाला अच्छा ही है। तो मेरे ख्याल से करीना को दूसरा देना चाहिए था। उसके बाद करें ऐसे न्यू चीज़ की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम लोग का जो क्या बोलता है भाई उसको रे एयर ड्रॉप का लुक जो है बिल्कुल यहाँ से चेंज कर दिया गया और यहाँ से आपको देखने में बिल्कुल ही तगड़ा लग रहा है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो एयर ड्रॉप की भी यहाँ से कस्टमाइज़ किया जाएगा और साथ साथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिल जाएगा। तो एयर ड्रॉप भी देखने में अच्छा ही है। तो इतना सारा जो अपडेट है आपको टोटल ओबी के 18 का अपडेट में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग मैंने फिर से पूछ रहा हूँ कि ओबी अगर आप लोग कोई ओल्ड प्लेयर है तो मेरे को कमेंट बताना भाई कि पिछले साल जो 11 का अपडेट आया था तो वो कितने तारीख को आया था, मतलब किस डेट को आया था, किस मंथ में आया था। क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है कि 11 का अपडेट जो है वो शायद 28 या 27 अक्टूबर को आता है। तो यहाँ से मेरे को तो कन्फर्म पता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर 3-4-5 महीने से गेम प्ले कर रहा हूँ तो मेरे को उतना पता नहीं है। और साथ साथ आपको इतना सही नहीं इससे आपको कितना ज़्यादा अपडेट मिल जाएगा। तो इससे पहले मैंने एक अपडेट का वीडियो डाला था जिसको मेरे को जो मैंने बताया था, तो वहाँ पर आपको अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं आई बटन, उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से आपको और जो चीज़ें कौन कौन सी चीज़ का अपडेट मिल जाएगा। और क्या चीज़ बता दें कि यहाँ से मेरे को समझ जहाँ तक मेरे को सुनने मिला है कि यहाँ पर हम लोग को एक हालांकि मेरे पास एक वीडियो भी बैठ मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वो जो वीडियो है किसी और ने भेजा है और वो वाला वीडियो तो अभी तक मैंने जो ऑफिशियल मतलब जहाँ से मैं न्यूज़ कलेक्ट करता हूँ वहाँ पर कहीं भी उस वीडियो को जिक्र भी नहीं हुआ और उस जगह के जिक्र भी नहीं हुआ है कि मैप के अंदर आपको चेंजेस देखने के लिए मिली, जहाँ पर आपको एक वायल फैक्ट्री या फिर कुछ स्टेप से आपको नाम देखने के लिए मिलेगी। बट हो सकता है कि ऐसा हो सकता है मैप पर कुछ जगह चेंजेस किया जा सकता है जिसका नाम रखा जाएगा वायल फैक्ट्री, तो उसका वीडियो क्लिप भी है मेरे पास, बट मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कि वो मेरे को मिला है किसी और से मतलब कहीं और से। तो जब मेरे को कन्फर्म मिल जाए तो मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ
जो न्यू पैट को लेकर, न्यू पैट का जो अपडेट है मेरे को अभी तक भी नहीं मिला न्यू पैट को लेकर, कि न्यू पैट मतलब आने वाला है गेम में, तो कौन सा न्यू पैट आने वाला है। तो मेरे को जब भी मिलता है मैं टोटल आपको बता दूंगा, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई OB18 का अपडेट जितना भी आता आप मेरे को मतलब आप हम सबको बताते जाओ, शेयर करते जाओ, इससे क्या होता है मतलब अपना जो इंटरेस्ट होता है ना वो ज़्यादा जगता है गेम के प्रति। तो आपके मेरे कमेंट में बताने कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ से OB18 के अपडेट को लेकर बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही अच्छी तरीके से उसका वेट कर रहा है OB18 को लेके। तो आज की वीडियो में इतना सही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा।